पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं गौतम पैरावेटिंग चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मिनी विडास मशीन के बारे में, जिसपे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको मिनी विडास और इसके प्रोसीजर के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मेन तो यूज़ है थायराइड के लिए करते हैं, बट इसमें टेस्ट के बहुत सारे वराइटीज हैं, जैसे सीरोलॉजिकल टेस्ट, HIV, SCV, SBSG जैसे कई टेस्ट को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो इसको मैनुअली यूज़ किया जाता है, ये मेन होता है थायराइड के लिए, जिसमें 200 माइक्रो अपना पेशेंट का सीरम देते हैं और उसे किट में लगा के कैसेट में रन करा देते हैं। ये कितने वैराइटीज हैं इस चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मिनी विडास की मशीन में लग जाते हैं। इस चार्ट में टेस्ट एंड उनके वैल्यूज और कितने माइक्रो में लेना है वो सारे डिटेल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, और उसका कंट्रोल और इसके QC कैसे रन करता है ये भी पता चल जाएगा। जो भी चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया वो सारे चार्ट में जो टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट इस मिनी विडास मशीन में आप प्रोसेस कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस मिनी विडास के ऊपर NTTPO टेस्ट परफॉर्म करके बताता हूँ कि इसका टोटल प्रोसीजर कैसे होता है और इसे कैसे रन कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे जो है अपना लेबलिंग करेंगे। और इसकी वैल्यू होती है सैंपल लेने की, वो होती है 100 माइक्रोलीटर। अपने कंफर्मेशन के लिए हम इस चार्ट पे एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। NTTPO का वैल्यू है 100, तो 100 माइक्रोलीटर हमें अपने पेशेंट का जो है सैंपल लेना है। तो हमें जैसे कि देखिए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल ले लिया है और इसे कार्टेज में डाल देंगे। अब सेकंड प्रोसीजर है इसकी नंबर बांट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो अपना गैपिंग बना हुआ है सैंपल इसी में डालना है, किसी और भी बैकअप में नहीं डालना है। और सही तरीका जो होता है कार्ट्रिज को कैसेट में डालने का, इसे हल्का स्टॉप करके फिर इसे कैसेट में ऐसे अंदर की ओर प्रेशर डाल देना और ये सेट हो गया। सेट होने के बाद इसमें एक टिक सी आवाज़ आती है जिसमें पता चल जाता है कि हमारा कार्टेज जो है कैसेट में अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। और इसका SPR हर कैसेट के अकॉर्डिंग उसका अपना अपना SPR होता है, हर कार्टेज के अकॉर्डिंग। तो ये NTTPO का जो SPR है हम एक नंबर में यहाँ लगा देंगे। बिना इसके हमें रखे कोई भी टेस्ट रन नहीं हो सकता है, तो हमें प्रॉपर चेक करना होगा कि जब भी हम टेस्ट रन कर रहे हैं तो उसका SPR उसके अकॉर्डिंग उसके सामने रहना चाहिए। और हमें इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, विदाउट SPR टेस्ट विल बी नॉट परफॉर्म। मतलब अगर हम SPR नहीं डालते हैं और सैंपल रन कर देते हैं तो वो सैंपल रन नहीं होगा और हमारे स्किन पर इरर आ जाएगा। तो हमें SPR और कार्टेज दोनों उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। फिर आइए हम इसको दिखाते हैं कैसे रन किया जाता है, इसके स्किन पर इसका क्या प्रोसीजर है। हमने ए पार्ट में नंबर वन पे 2 नंबर का सैंपल डाला है और उसका SPR, इस पर हमें सिर्फ NTTPO ही रन कराना है। इसके बाद हम इसे कैप कर देंगे। तो ये रहा हमारा ए नंबर का, और स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि अभी ये अवेलेबल है, मतलब ये टेस्टिंग के लिए रेडी है। तो हम इस पर करेंगे, ये सेक्शन ओपन हो गया। अब इस पर हमें नंबर देना है कि एक नंबर में हमने कितने नंबर का सैंपल डाला है। तो एक नंबर को फिर इस पर आ गया सैंपल आईडी। सैंपल आईडी क्लिक करने के बाद इस पर 2 नंबर और ये एंटर कर देंगे। ये जान जाइए जब तक एंटर नहीं करेंगे वो नंबर को अपने में कमांड नहीं लेगा। तो हम
अगर हमें किसी पेशेंट का नंबर नहीं देना है, उसके नाम के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें उस पर, जैसे अगर ये दो नंबर हम क्लियर करते हैं और अगर किसी का नंबर लेना है तो हम उस पर उस अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। बट हमारा जो सैम्पल है वो नंबर वाइज चलता है, तो हम इस पर नंबर ही एंटर करेंगे। तो ये हमने नंबर एंटर कर दिया है, तो अब हम इसमें बैक चले जाएंगे और एक बार हम चेक करेंगे। इसे डबल बैक करना होता है, एक नंबर पे दो नंबर का सैंपल हमने किया है और यहाँ हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ये बार कोड रन लेता है, आइए मैं दिखाऊँ। ये बार कोड रन ले लेगा, देन उसके बाद ये स्क्रीन पे टाइम दे देगा कि हमने अपना HTTPO टेस्ट रन किया और ये स्टार्ट एरर बता रहा है। तो हम इसकी इंक्वायरी इस क्वेश्चन मार्क के हॉलमार्क से करेंगे कि आखिर ये एरर बता किस लिए ला है। तो हम देखते हैं, तो इसने हमें ओल्ड स्टैंडर्ड बताया है, बट हमें फिर भी इसे रीरन करना है। हम इंटर देने के बाद इसे रीस्टार्ट करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारा मशीन कोई भी एरर देता है तो उसकी इंक्वायरी हमें क्वेश्चन मार्क से ही करनी है। हम जैसे ही क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे वो अपना डिटेल बता देगा कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है और वो किस वजह से जो है रन नहीं ले रहा है सैंपल को। तो हमें उसे रीड करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग उसे एंटर देना है, ठीक। हाँ, तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अगर हमें किसी पेशेंट के सैंपल का प्रिंट, उसका जो रिजल्ट का प्रिंट है, फिर से लेना हो, तो वो हम इसको डबल प्रेस करेंगे और उसका प्रिंट हम ले लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ए डिपार्टमेंट में, ए पार्ट में HTTPO स्टार्टिंग दे दिया है और उसकी टाइमिंग आ गई है 13:43। तो इतने टाइम पे हमें रीडिंग मिल जाएगी, तब तक के लिए हम वेट करेंगे और अपने रीडिंग का इंतज़ार करेंगे। कि देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा HTTPO जैसा हमने रन कराया था उसका रिजल्ट आ गया है 66.6। तो ये वॉल्यूम हमारी आ गई है और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डिटेल दे सकूं और इसका जो कंट्रोल होता है, QC होता है, वो कैसे रन कराते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, और किसी भी सैंपल का अगर हमें रैंडमली कोई हाई वैल्यू आ जाता है तो उसका डाइल्यूशन बना के हम फिर कैसे उसको जो है नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि मैं आपको उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। थैंक यू।